आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ भारतवासियों के आशीर्वाद से दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा, यहाँ के हरियाणा की सीटें बढ़ जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि गुड़गांव के अंदर एक पूर्वांचल का विधायक होगा, आप निश्चित तौर पर आज घोषणा करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का होती है। और जो आपकी संस्था है, छोटा सा आयोजन, 5 लाख रुपए की भेंट छोटी सी अपनी तरफ से मैं देके जाऊं। तो ये बढ़ता हुआ भारत है, जगह जगह हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोजगार के साधन, ये सब। हमारे मुख्य अतिथि माननीय जीएपी दलाल जी, कृषि मंत्री, हम लोगों के बीच आए हुए हैं। भाइयों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, ये सब पूर्वांचल के मान सम्मान की बात है। आज पूरा देश और दिल्ली में बहुत बड़ा बीजेपी मुख्यालय में जश्न हो रहा है, और हर एक लोग वहां जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन वैसे व्यस्त समय में से अगर 2 मिनट निकाल के आपके पास आना, समझिए कि जो भी आते हैं, समझिए पूर्वांचल समाज के मान मर्यादा रखने के लिए आते हैं। ऐसे महापुरुष को खड़ा होकर आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैंने सर से बोला था, एक बार खड़ा होकर जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए आज पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ने के लिए। माननीय जेपी दलाल जी आज हम लोगों के बीच आए हैं। माननीय, आपने इतना कीमती समय निकाला एक फोन पे। देखिए, मैं आपको बता दूं, दलाल साहब से मैं मिलने नहीं गया था, मैंने केवल एक फोन किया था कि सर हमारा पूर्वांचल का कार्यक्रम है। 1 मिनट में इन्होंने स्वीकार किया। मानवर, आपका पूर्वांचल समाज आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं चाहूंगा कि आयोजन कमेटी और कार्यकारिणी, आयोजन कमेटी और कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ आए। झा जी, आयोजन कमेटी और कार्यकारिणी के सदस्य मंच पे आए। और चूंकि मुझे मालूम है समय बहुत कम है, और सर ने हमको बोला था कि समय मैं कम दूंगा, तो पहले स्वागत कर लिया जाए सर को, उसके बाद सर के स्वागत में मैं चाहूंगा कि एक दो भजन हो। अभी माताएं बहने सब बोले, भारत माता की। मंचा सिंह, सभी संस्था के पदाधिकारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के एक आदर्श हैं, उनकी यादगार में जो ये कार्यक्रम किया जाता है, उसमें उपस्थित मेरे सारे पूर्वांचल के भाई, गुड़गांव निवासी, ये सही है कि सत्येंद्र जी का मुझे सिर्फ फोन आया था, और मेरा मन हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहता है कि ये उत्सव जब मनाया जाता है गुड़गांव के अंदर, जिन लोगों के खून पसीने से गुड़गांव बना है, उनके कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचू। हमारा आज दूसरा सबसे बड़ा खुशी का, जो 2024 का सेमीफाइनल के रिजल्ट आए हैं, इसकी भी मैं सब भाइयों को बधाई देता हूं। क्योंकि जो गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई, आपके सामने है कि इतना जबरदस्त संकट आया था कोरोना का, सारा विश्व ये समझ रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा, भारत के लोग इस बीमारी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने मिलकर के जैसे मुकाबला किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे हमें एक सूत्र में बांधा, दुनिया आश्चर्यचकित है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देश हैं, उनसे बेहतर प्रबंधन हमारा हुआ, और दुनिया ये भी सोचती है कि आजकल युद्ध का समय है, अनाज का संकट है, कैसे 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाता है। मैं समझता हूं कि दुनिया इसमें इससे बड़ी कोई योजना है नहीं। पहले सरकारें आती थी, कुछ लोगों का मित्र देखती थी, आज ये देवतुल्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ भारतवासियों के आशीर्वाद से दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। विश्व के बड़े बड़े नेता, प्रधान, राष्ट्राध्यक्ष सेल्फी लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं, ये हमारे लिए कितना गौरव की बात है। आज सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज भारत की आवाज छोड़ी जाती है, आज भारत की तरफ सारी दुनिया देख रही है।
और ये क्यों है? इसलिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री की आवाज को कोई गौर किए बगैर रह नहीं सकता। तो आज का जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। 2024 का आपने आईना दिखा दिया है। बहुत ताकतें हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करती, दुनिया की बहुत ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह से भारतवासी एक होकर के, जिस तरह से बार बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, दुनिया के सामने और कोई विकल्प नहीं है। भारत की जय बोले, मोदी जी की जय बोले, आप लोगों की जय बोले। तो बहुत खुशी का मौका है और मैं समझता हूं आने वाला वक्त हमारे नौजवानों का, भारतवासी का या शताब्दी भारत की होगी, दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। और मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, बेटी ने इतना बजा अच्छा गाना गाया है। आपको पता है जनवरी के अंदर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये भी आपने देखा है कि भारत चांद के दक्षिण में जाने वाला पहला देश है। आपने ये भी देखा है कि कोरोना का कैसा प्रबंधन हुआ है। आपने ये भी देखा है कि जिस कहते थे कि धारा 370 समाप्त होगी तो दुनिया में खून की नदियां बह जाएंगी, सारे नेता आकर के G20 का जो यहाँ आयोजन हुआ है, सारी दुनिया इसको चास्तरी से देखती है। तो ये बढ़ता हुआ भारत है, जगह जगह हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोजगार के साधन, ये सब चीजें हो रही है। और एक तरफ कुछ ये घमंडिया गठबंधन के लोग गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने देखा है कि किस तरह से एक टूल किट बना करके अफवाहें फैला देते हैं। जब भी चुनाव आता है तो अफवाहें फैला देते हैं, लेकिन हम नमन करते हैं आप लोगों के सामने, भारतवासी के सामने, सारे प्रदेशवासियों के सामने, कि इस तरह से आप आशीर्वाद देते हैं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा, यहाँ के हरियाणा की सीटें बढ़ जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि गुड़गांव के अंदर एक पूर्वांचल का विधायक होगा, आप निश्चित तौर पर आज घोषणा करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि आपके पसीने से गुड़गांव बसा हुआ है, आपका यहाँ पर इतना भारी संख्या है। मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव में हर चीज में आपका जो निर्माण में हिस्सा है, तो गुड़गांव के हितों का, हरियाणा के हितों के फैसला करने में पूर्वांचली भाइयों का हिस्सा होगा, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बगैर इलाकावाद के, बगैर भेदभाव के, बगैर जाति पाति के, सब भारतवासियों को एक मान करके देश के विकास में लगी हुई है। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर आप आशीर्वाद बना के रखें, और इसी तरह से देश को बनाने में आपका योगदान देते रहें। और हरियाणा खास करके मैं कहता हूं कि आपके लिए, आपसे जो मेहनत की है, हरियाणा के निर्माण में आपने जो योगदान दिया है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मौसम भी ऐसा ही है, और आपसे मिलकर के मैं फिर दोबारा कहता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जो आपकी संस्था है, छोटा सा आयोजन, 5 लाख रुपए की भेंट छोटी सी अपनी तरफ से मैं दे के जाऊंगा। धन्यवाद। संस्था की ओर से एक प्रतीक